ये तस्वीर कश्मीर के बड़गाम जिले की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों लोगों की भीड़ एक जनाजे में चल रही है। दरअसल यहां हुए एक आतंकी हमले में एक एसपीओ और उनके भाई की मौत हो गई। आपको याद होगा जब कश्मीर में आतंकी मरते थे तो लोगों का हुजूम लगता था, लेकिन अब कश्मीर बदल चुका है। कश्मीर के लोग अब आतंकियों के जनाजे में नहीं जाते। अब तो कश्मीर के ये सभी लोग देश के लिए शहीद हुए पुलिस अधिकारी के जनाजे में शामिल हुए। आतंकवादियों ने शनिवार को एसपीओ इशफाक अहमद की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले में अहमद के भाई उमर जान को भी गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों भाइयों के शव को उनके आवास पर लाया गया। इस दौरान परिवार के साथ ही वहां मौजूद हजारों लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने उन्हें भावुक विदाई दी। जब दोनों भाइयों को दफनाने के लिए ले जाया गया तो महिलाओं ने उनके ताबूतों पर फूल भी बरसाए। दोनों को उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाया गया। चिनार कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने शहीद एसपीओ इशफाक अहमद के घर का दौरा किया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने भी आतंकवाद के इस तरह के हमले के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कश्मीर के लोग अब आतंकियों के लिए नहीं बल्कि कश्मीर पर कुर्बान होने वाले बेटों के लिए रोते हैं। कश्मीर में 3 दशक से चल रहे आतंकवाद के दौर में बड़ी तादाद में कश्मीर के युवाओं की जान गई। इनमें वो कश्मीरी युवक भी थे जिन्होंने पाकिस्तान और आईएसआई के बहकावे में आकर आतंकवाद का रास्ता पकड़ा था और मारे गए, और वो कश्मीरी युवक भी थे जिन्होंने सही रास्ता चुना था और कश्मीर को आतंकवादियों से बचाने के लिए वर्दी पहनी थी। लेकिन दोनों में फ़र्क नज़र आता था। आतंकवादियों के जनाजे में हज़ारों की भीड़ होती थी, जोशीली तकरीरें की जाती थीं, उकसाने वाले नारे लगाए जाते थे। लेकिन जब कोई कश्मीरी युवक जो सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बल में काम करता था, उसकी शहादत होती थी तो उसके जनाजे में आतंकवादियों के डर की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोग भी नहीं जाते थे। यहाँ तक कि परिवार को ढांढस बंधाने के लिए भी लोग अंधेरे में छुप कर जाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब आतंकवादियों के जनाजे में लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन जब कोई कश्मीर का युवक आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होता है तो उसके जनाजे में हजारों की भीड़ होती है। यही भीड़ बड़गाम में शहीद हुए एसपीओ इशफाक अहमद के जनाजे में भी नजर आई। लोगों में गुस्सा था, आतंकवाद के खिलाफ नारे लग रहे थे, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और घर में मातम पुरसी के लिए जाने वाले लोगों में कोई डर नहीं था। यहां तक कि कश्मीर में चिनार कोर के कोर कमांडर भी परिवार को ढांढस बंधाने उनके घर गए। ये न केवल कश्मीर की बदलते हुए चेहरे को दिखाती है बल्कि ये भी बताती है कि कश्मीर की जनता आतंकवाद से कितना ऊब चुकी है और अब कश्मीर में तैनात सेना उनकी दुश्मन नहीं है बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी मददगार, हमसाया और दोस्त है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.